बाहरी दिल्ली के निहालवार थाना क्षेत्र में अवैध ड्रग्स और शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्य करते हुए निहालवार थाना पुलिस के अलर्ट स्टाफ ने एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 902 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। पकड़े गए आरोपी की पहचान एनोजी के रूप में हुई है, जो कि उली नाइजीरिया का रहने वाला है और यहां दिल्ली में चंद्र विहार निलोठी में रह रहा था। निहाल विहार में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र को एक गुप्त सूचना मिली कि एक नाइजीरियन नागरिक है जो कि ड्रग्स की आपूर्ति करता है, जिसकी सूचना निहाल विहार थाने के SHO को दी गई। साथ ही पश्चिम विहार के ACP के साथ चर्चा करने के बाद ड्रग तस्कर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SI अंकुर, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, संदीप और कांस्टेबल सुरेंद्र शामिल थे। टीम ने गुप्त मुखबिर की निशानदेही पर छापेमारी कर नाइजीरियन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर आरोपी व्यक्ति ने बताया कि वह 2020 में भारत आया था और अभी चंद्र विहार निलोठी में रह रहा था और लगभग 4 महीने पहले जोन से ड्रग्स खरीदकर बेचना शुरू किया था और लगभग 15 दिन पहले ही जोन ने उसे किसी पंजाबी व्यक्ति को लगभग 900 ग्राम कोकीन देने को कहा था, जिसके बदले उसे बराबर के हिस्सेदारी की भी बात कही थी। फिलहाल पुलिस आगे की जांच करते हुए संगठित अपराध में शामिल ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं के सभी संगठित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। 902 ग्राम कोकीन पकड़ी है, जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत है 3 करोड़ रुपया। इंट्रोगेशन से पता चलता है कि यह आदमी जो हमने पकड़ा है, इसका नाम है अनोजी सन ऑफ चिंजी और ये उली नाइजीरिया का रहने वाला है। उली जगह है नाइजीरिया में। तो आदमी है ये, पहले 2020 में इंडिया आया और उसके बाद ये अफ्रीकन लोगों के बाल काटने के लिए इसने बार्बर शॉप खोली, लेकिन क्योंकि उसमें पैसा नहीं था और इसके जो ये जैसा कि ये बता रहा है कि इसके साथी लोग बाग भी ड्रग सप्लाई का काम करते थे और उसमें पैसा है, तो इसने भी वो चीज़ ज्वाइन की। इसका कहना ये है कि एक जोन नाम का कोई आदमी है, वो इसको ये माल सप्लाई करता था और फिर ये फर्दर दूसरे एंड पे सप्लाई करता था। अब इस केस में जब हमने इसको पकड़ा है, इस केस में इसका कहना है कि जोन ने मुझे 902 ग्राम कोकीन के 2 पैकेट, यानी कि 500 ग्राम का एक, 402 ग्राम का एक, 2 पैकेट दे करके बोला था कि एक पंजाबी आदमी है उसको देना है। ये उस पंजाबी आदमी को ड्रग के पैकेट डिलीवर कर पाता उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया। डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए फॉरेनर्स एक्ट में FIR में जो है फॉरेनर्स एक्ट भी हमने लगाया है, ये क्राइम में इन्वॉल्व है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है। ये PS निहाल विहार, जिसके SHO साहब यहाँ बैठे हैं और ACP साहब हैं आशीष, तो इनके नेतृत्व में